खराटे ले रहे हो तुम अरुण, तुम बहुत खराटे ले रहे हो अरुण, खराटे आ रहे हैं बहुत। पहले से तो बाल सही हो गए ना मेरे। क्या? हाँ बेटा, खर्च भी तो किया ना पैसे तो। हो गया जीजा, अच्छा हो गया जीजा। कौन जीतेगा? एक जाएगा, एक टीम बराबर। कौन जीतेगा बताओ ना? जीते कोई भी चलनी तो अब जान दो। सो यहाँ पे ना टीम दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लड़की है यानी कि जपलीन, वो अपने दोनों हाथ लगा सकती है। जो ये कंगना सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हाथ में बंधा होता है तो वो खोलना होता है। तो इसमें ये होता है कि लड़की अपने दोनों हाथ लगा सकती है लेकिन लड़के को एक ही हाथ से खोलना होता है। तो इसमें उपासना भी पीछे से कहती है, नहीं 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 नहीं, जपलीन तू दोनों हाथ लगा सकती है, साहिल ने सिर्फ एक ही हाथ लगाना है। लेकिन फिर भी लड़की जीत सकती है। बाय बाय। कौन हूँ मैं? हाँ, लव यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ईयर एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर। फर्स्ट व्लॉग है ये 2024 का। मम्मी, मैं और अरुण अब यहाँ से निकले हैं। दो बज चुके हैं। पापा, तनु और शैंकी सुबह ही चले गए थे क्योंकि यार नया साल है ऑब्वियसली। हम तो यहाँ, हमें रुकना पड़ा पर उनको यहाँ जाके क्लिनिक ओपन करना था। हम वहाँ पे, हम दिल्ली कल पहुँच जाएंगे। ठंड बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तो मे बी ये भी रीजन है मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन होने का। आज न्यू ईयर है तो आराम से बैठ के सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे, रील शूट करेंगे, रील शूट करेंगे। मैं क्योंकि होम रेम पिज्जा खाएंगे, ये मम्मी की आवाज है, पिज्जा खाएंगे तो पॉपकॉर्न खाएंगे, बर्गर खाएंगे। सो ये देखिए धुंध, हिमाचल में मिनी स्विट्जरलैंड बन रखा है। पहाड़ नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ उड़ते हुए बादल। ये देखिए, हाँ ये देखो। ओ गाइस, तो ये आपको सिर्फ उड़ते हुए बादल ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। होशियारपुर में नहीं थमी लेकिन हाँ। ये बंदे ना, ये रील बनाने वाले सच में मर जाएंगे किसी दिन। ये मोड़ पे खड़े हो गए रील। ये देखो हाल, मतलब इतना ठंडा मौसम हो रखा है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं घर। सो सबसे पहले नितिन जी को, शैंकी जी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ओ भाई साहब, ये क्या हीटर वीटर लगा के बैठे हैं? अरे भाई, अकेले थे फिर भी हीटर लगा रहे हो। तनु क्या खिला रही हो फिर आज? दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। खिलाने में बोला मैंने, मैं बना दूंगी। आप क्या बनाओगे? भिंडी खानी है। और क्या क्या है? आलू का परांठा और दाल और पनीरी भुर्जी। शेफ आ गया है क्या? हाँ। हाँ? सबसे पहले आप वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोनों ऐसे हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। सेम टू यू बोलना होता है। रुको ना, ऐसे थोड़े। चल 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 चल। सो यार, जैसे ही आए उपासना की तबीयत बहुत ज्यादा डाउन हो रखी है तो इनको मैंने दिया अजवाइन और नमक, उसके साथ दिया गुनगुना पानी क्योंकि इनको लगी है ठंड। ये और अजवाइन लिया इन्होंने क्योंकि कल ना यार ठंड बहुत ज़्यादा थी। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है ठंड में कि जो ये अंगीठियाँ लगी रहती हैं वो हमें लगता है कि वो अच्छी हैं पर वो उतनी और ज़्यादा हार्मफुल होती हैं क्योंकि आप अंगीठी के पास खड़े हुए आपको तब गर्मी लगी, फिर आप थोड़ा सा साइड हुए तो फिर सर्दी, और वो गर्म सर्द वो और ज़्यादा काम खराब कर देता है। तो इन्होंने कल तो ये लहंगा डाल रहे थे, मैंने जबरदस्ती, मैंने कहा ये लहंगा मत डालो, मैंने कहा आप सूट डालो,
लहंगा डाला होता तब तो। खराटे ले रहे हो तुम? अरुण तुम बहुत खराटे ले रहे हो। अरुण खराटे आ रहे हैं बहुत। देखा फिर बोलते खराटे नहीं लेता, आज मैंने सबूत दे दिया सामने। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरुणेंद्र व्लॉग्स और ये नए साल का दूसरा व्लॉग। कंडीशन आप देखिए हमारा ना यही चलता, दिल्ली से यहाँ सामान आता है, यहाँ से दिल्ली जाता है। इतना सामान है। ये तनु और शैंके आएंगे कुछ टाइम बाद दिल्ली, तो बाकी सब ये लेके आएंगे। हम सिर्फ अरुण के कपड़े लेके जा रहे हैं। ये मम्मी का कोट है तनु, और ये तनु मम्मी का कोट डालती हुई उसमें। तो यार अभी बज रहे हैं, अच्छा ये तो घड़ी खराब है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और आज हम जा रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। कोई नहीं यार, ऊपर नीचे हो जाता है। सो अभी मैं और तनु जा रहे हैं शूट के लिए, क्योंकि वो बात ना कह रही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो मुझे अपनी शायरीज का शूट करवाना है। तो पहले से तो बाल सही हो गए ना मेरे? क्या? हाँ बेटा, खर्च भी तो किया ना पैसे। तो यार अपने यहाँ पे करी बहुत सारी रील शूट, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे। शायरियाँ कैसी थी वैसे तनु? बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लिखते हो आप। ये मतलब कोई वर्ड नहीं है। अच्छा तो ये कैमरा ऑन होते ही तारीफ करवाई मैंने अपनी। तो यार ये वाली बनानी है यार। वहाँ पे ना हमने शादी में ना बहुत प्लान किया था कि इसकी ना, मतलब मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा अगर ये रील ढंग से बना लेते हो ना, मैंने कहा 50-70 मिलियन व्यूज उस पर कहीं नहीं गए। क्योंकि मतलब जितने भी कमेंट्स ब्लॉग्स पे आ रहे हैं ना, सब यही कह रहे हैं यार हम भी ना हमारे जीजा के लिए यही यूज करेंगे, आ गया जीजा, छा गया जीजा। तो यार अभी हाँ अभी आज रील बनाएंगे इस पे भी, और बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ करी। एक शेर मैंने रात को लिखा था और मुझे लिखते ही ना वो छू गया कि ये मैंने कैसे लिख दिया कि जीजू तो नींद में भी शायरी बोलता है। मैं यार सोते टाइम भी दिन रात सिर्फ एक ही मेरे को चीज दिखाई देती है, वो शायरी। तो शेर कुछ यूं था कि खिलाया हो जिसे हमेशा माने अपने हाथों से, उन बच्चों ने रोटियां कभी गिन के नहीं खाई। जल गए थे ना? नहीं जले। वो नीचे वाले जल गए थे ना दोनों? नहीं जले। ये भी जले हुए दिख रहे हैं। सुनो तुम वहां पे जले हुए निकाल रही थी, हमने यहाँ से कैप्चर कर लिया था। सर ये भाई अभी जब हम हिमाचल वाले घर पे हैं, अभी हम आज हिमाचल से निकलने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले भाई आए गगरेट से और पंजाब से। हाँ तो मतलब बहुत टाइम से भाई कोशिश कर रहे थे, और मैं यार रिप्लाई वगैरह कर नहीं पा रहा था। तो इन्होंने शैंकी को मैसेज किया और फिर शैंकी ने हमारी मीटिंग अरेंज करी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। अरे नहीं नहीं, बहुत 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 बढ़िया लगा। एंड ये बस आप लोगों का प्यार ही है भाई जो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ड्रीम ही था आपसे मिलना बस। अरे नहीं 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 नहीं, ड्रीम वाली बात नहीं होती। आप वही है ना कि मैं इनसे मिला ना, मुझे 10 चीजें मुझे सीखने को मिली। और बहुत ही बेहतरीन शायरी करते हो आप। शुक्रिया। ठीक है, और बहुत ही अच्छा गाते हो आप। थैंक यू थैंक यू। आप बस जो आपका ड्रीम है आप उसकी तरफ लगे रहो और आप ऐसे आगे बढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। और यार उपासना की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई, और इसी वजह से अब ये लगा लो कि इस टाइम पे 8 बज गए। इस टाइम तक तो हमें निकलना था लेकिन हमारा आज का जाना कैंसिल हो गया। हम शायद परसों सुबह गाड़ी से ही जाएंगे। हाँ, और यार यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है भाई। हवा चल रही है बर्फीली, बिल्कुल नाम ही हिमाचल। इतना सीवियर इन्फेक्शन हुआ है कि मैं मतलब 2 दिन से बॉटल के सहारे जिंदा हूँ। ठंड तो यहाँ होनी है, नाम ही हिमाचल। ये तनु लेके क्या लेके आ रही हो? पाए था। तो यार अभी हमारे ना शैंकी ने फिर आज पिज्जा बनाया, क्योंकि उपासना की तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोग यार पिज्जा खा रहे हैं अभी, लेकिन ये घर का बनाया हुआ फ्रेश है तो इतना हार्मफुल नहीं है ये, है ना? है ना?